हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी शॉर्ट्स में, जिसमें मैंने पूछा था कि भाई हमें जो लद्दाख जाना है तो उसके लिए कौन सी गाड़ी ले जानी चाहिए, क्रिस्टा या अपनी इको स्पोर्ट। तो उसके लिए जो वोटिंग हुई थी इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। तो सबने इको स्पोर्ट पे ही वोट करा था। तो हमने कल सर्विस करवा ली थी गाड़ी, तो अभी हम जा रहे हैं। अभी टाइम क्या हो रहा है, एक मिनट बताता हूँ, 7:15 बज रहे हैं शाम के। और आज डेट है 26, आज हाँ आज 26 है, तो आज 26 तारीख है। तो अभी हम तेल डलवा के रखेंगे गाड़ी में और अभी सारा सामान गाड़ी में डाल देंगे। और फिर उसके बाद हम कल सुबह निकलेंगे 4 बजे, क्योंकि जो सोनमर्ग से जब ट्रैफिक छोड़ा जाता है तो सुबह के 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक छोड़ा जाता है। बट सुबह के पहले 2 घंटे जो होते हैं वो इन्होंने रखे हैं पर्टिकुलरली छोटी गाड़ियों के लिए। और उसके बाद जो 9 बजे के बाद ये छोड़ते हैं, क्या कहते हैं उसे, HMVs को, बड़ी गाड़ियों को, ट्रक्स वगैरह को। तो उस वजह से हम सुबह जल्दी निकलेंगे, क्योंकि हमारे घर से वहाँ का रास्ता है ऑलमोस्ट यही कोई 2.5 घंटे का रास्ता है हमारे घर से सोनमर्ग का। तो हम सुबह 4-4:30 बजे के आसपास निकल जाएंगे। तो वहाँ से फिर देखेंगे कितने बजे हमें क्रॉस करने देंगे। अभी भी यहाँ बारिश हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड देखो। अभी हमारे यहाँ बारिश हो रही है, ये देखो 7:15 हो रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम जा रहे हैं डीजल फिलअप करने गाड़ी के लिए, गाड़ी में। तो भाई हमारे उस्ताद भी आ गए, उस्ताद से मिलिए। ये रहे मोहम्मद कामरान दिल्ली से। तो यही है वो शख्स जिन्होंने मुझे ड्राइविंग सिखाई है। तो भाई साहब यही वो इंसान है जिन्होंने मुझ जैसे इंसान को ड्राइविंग सिखाई है, जिनने कभी साइकिल नहीं चलाया। मैंने बचपन से लेकर अब तक साइकिल नहीं चलाया, ना मुझे स्कूटी चलानी आती थी, ना आती है अभी भी, ना मैंने बाइक चलाई है कभी। तो उस चक्कर में, अच्छा भाई साहब ये देखो रेनबो दिखने का गया, हाँ गया गया रेनबो गया, तुम्हारे अभी कहते ही गया, मेरे कहते ही गया ना, हाँ था अभी नहीं है, है। ये देखो पेड़ के पीछे से, ये देखो रेनबो, वाह भाई। आगे वाले पे लेना, आगे वाले पेट्रोल पंप पे राइट हैंड साइड पे जो है। तो भाई साहब मुझे मम्मी ने कभी बचपन में उन्हें खेलने दिया, अब क्रिकेट हॉकी वगैरह कुछ भी नहीं खेलने दिया, ना मुझे साइकिल चलाने दिया था। तो मैं शरीफ बच्चा था बचपन से ही। तो जब लॉकडाउन, जब पहली बार कोरोना आया, तो उस कोरोना के बाद हमने गाड़ी ली और इनने मुझे सुबह 6 बजे, जनपद के सर्विस लाइन पे सीखते थे ना, हाँ जनपद के सर्विस लाइन में हम सुबह 6 बजे आते थे, बेचारे आलिया के कजन है ये, तो ये मुझे सिखाते थे वहाँ गाड़ी चलाना। तो वहीं पे मैंने सीखी थी दिल्ली में ही 2020 में। तो उसके बाद फिर मैंने गाड़ी चलाई है। चलो जी, तो अभी हम गाड़ी फिलअप कर रहे हैं, फिर देखते हैं। अभी हम आगे पेट्रोल पंप, और आपको दिखाऊंगा सारा सामान जो हम आज लद्दाख के लिए ले जाएंगे कल, मतलब। तो यहाँ पे जो रेट है डीजल का 87.10 है। फुला कर दे बुआ, 0 हो गया, फुल करा रहे टाइम। ये लग गया मीटर इस पे, हो गया बस। ये आया है टोटल 2400, 2500, 2500 का, 2500 का अगर बेग ऐसे स्ट्राउस। ये हो गया फुल 2500। तो मैं बता रहा था कि इन्होंने मुझे 2020 में जब कोरोना का लॉकडाउन खत्म हुआ, तो जब हमने गाड़ी ली तो इन्होंने मुझे सिखाई थी पूरी गाड़ी। तो इनका वर्कशॉप है मिंटू रोड पे, माता सुंदरी कॉलेज और माता सुंदरी गुरुद्वारे के पास। किसी को भी किसी भी टाइप की लाइट चाहिए हो, कोई भी डेंट पेंट का काम कराना हो, इनका वर्कशॉप वहीं पे है। इनका कार्ड लगा दूंगा मैं, इनका कार्ड है आपके पास, हाँ कार्ड है, कार्ड का मैं फोटो लगा दूंगा या उनका एड्रेस डाल दूंगा। किसी को भी कोई भी काम करवाना हो ना, तो ये एक नंबर काम करते हैं भाई गाड़ियों का। तो लाइट्स का, हेडलाइट्स, बैक लाइट, ऑडी से लेकर BMW, क्या छोटी से छोटी गाड़ी, बड़ी से बड़ी गाड़ी, कोई भी लग्जरी गाड़ी कोई भी हो, सबकी लाइट्स मिल जाएंगी इनके पास वहाँ पे मिंटू रोड पे, माता सुंदरी कॉलेज और माता सुंदरी गुरुद्वारे के पास है। इनका कामरान मोटर्स करके, इनका वर्कशॉप है वहाँ पे, लाइट्स का तो सारा काम ही है इनका और डेंट पेंट का। तो बाकी हम सुबह निकलेंगे 4 साढ़े 4 बजे सुबह के, तो वही है 6:30 7 बजे तक हम पहुँचेंगे सोनमर्ग। फिर वहाँ से देखेंगे कितने बजे छोड़ेंगे हमें। फ़िलहाल तो मैं आपको सामान दिखाऊँ, फिर घर जा रहे हैं हम, सामान दिखाऊँ हम क्या क्या कैरी कर रहे हैं साथ में, क्योंकि हमारा प्लान है कैंपिंग का अगर मौसम सही रहा तो। यहाँ तो बारिश ही नहीं छोड़ रही। भाई कामरान, यहाँ के मौसम के बारे में बताओ कुछ। बारिश ही नहीं रुक रही भाई, 2 दिन से रेगुलर बारिश हो रही है, धूप आती है ही चली जाती है। ओए, तो अभी हम जा रहे हैं घर, तो आपको सामान दिखाते घर पहुँच के। तो ये रहा हमारा सामान, पहले एक मैं और भी दे देता हूँ, थोड़ा सा ही है अभी, आधा हमने कुछ निकाला नहीं है, जैसे ब्लैंकेट्स हैं और पावर बैंक्स वगैरह है, कुछ इक्विपमेंट्स हैं व्लॉगिंग के भी, तो वो अभी हमने खोला नहीं है। तो बाकी मैं दिखा दूँ, ये रहा स्लीपिंग बैग कामरान भाई और मेरा, मेरे जो कपड़े हैं और कामरान भाई के वो एक ही में इसी में है, वो आलिया का छोटा वाला, उसमें खाने पीने का सामान है। ये देखो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो लेह में, लेह मार्केट में एक ड्रैगन सुपर मार्केट करके ना एक वहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर है, तो मुझे पता वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, तो मैंने एज सच कुछ लिया नहीं है साथ में, तो वहीं से लेंगे सब कुछ। इसमें हमारी जैकेट्स है और कुछ हुडीज़ वगैरह हैं। ये मेरा ये है लैपटॉप बैग है, 2 पावर बैंक वो पड़े हुए हैं, ये 2 टॉर्च, ये पावर बैंक है, और 1-2 पावर बैंक और है, MI का भी, MI के 20,000 वाले 2 और हैं, ये देखो। और ये रहा अपनी ये टॉर्च है, ये भी टॉर्च है, और ये एक और लाइट है टेंट के लिए, और ये मग रहा, इसमें कोयले हैं वो भी बारबेक्यू के लिए, ये हमने बारबेक्यू ले जाना है साथ। ये ब्यूटेन के 3 कैंस हैं। ये तो अपना आ गया स्टोव, ये आ गया अपना 3% वाला केचुआ डिकेथलॉन का टेंट है, 2 चेयर्स हैं, एक शॉवल है, एक एक्स है। शॉवल इसलिए क्योंकि इन केस अगर बारिश होती रात में, टेंट में हम सो रहे हैं, तो उसके इर्द गिर्द हम नाली बना लें और वो पानी सारा बाहर जाए और हमारे अंदर पानी ना आए टेंट के, तो शॉवल उसके लिए रखा हुआ है। और एक्स अगर हमें लकड़ी मिलती है कहीं पर तो तोड़ने वोड़ने के लिए, उसके पीसेस करने के लिए एक्स लगेगी। तो इसमें शूज़ हैं, और ये टेंट जो है ये हम एज किचन भी यूज़ कर सकते हैं और एज टॉयलेट भी, तो अभी हमने यूज़ नहीं करा, नया फ्रेश है, तो वहीं पे डिसाइड होगा ये कैसे यूज़ करेंगे। तो ये सारा सामान मैंने आपको दिखा दिया, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बाकी आपको हम मिलेंगे सुबह गाड़ी में। सुबह निकलना है 4 बजे, तो अभी डिनर करके सो रहे हैं और सुबह जल्दी निकल के आपसे मिलते हैं सुबह वीडियो में। थैंक यू।